इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने कर्व ड्रिवन पैटर्न सीखा था। कर्व और कर्व ड्रिवन पैटर्न को डिलीट करें तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए कर्व ड्रिवन पैटर्न और कर्व, राइट क्लिक करें, डिलीट, यस। फिर सेलेक्ट कीजिए स्केच। पॉइंट कमांड की मदद से पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ कर लेंगे और एक यहाँ कर लेंगे और एक यहाँ और एक यहाँ। एग्जिट स्केच कीजिए। फ्यूचर्स पे क्लिक करें, लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें, स्केच ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक करें। सिलेक्शन में स्केच ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया जो स्केच हमने ड्रॉ किया था। आप चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसे डिलीट कीजिए, इस एरो पे क्लिक करें और इस स्केच को सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए हमने जो स्केच ड्रॉ किया था वो सेलेक्ट हो गया। रेफरेंस पॉइंट में सेंट्रोइड रहने दीजिए। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, फ्यूचर्स एंड फेसेस और बॉडीज। हम यहाँ पे फ्यूचर्स पैटर्न करने वाले हैं तो फ्यूचर्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कट एक्सट्रूड, या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे डिलीट कीजिए और यहाँ सेलेक्ट कीजिए कट एक्सट्रूड वन। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि स्केच ड्रिवन पैटर्न अप्लाई हो रहा है और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड पॉइंट पे स्केच ड्रिवन पैटर्न अप्लाई हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।